बाकी वो जो हमने वो जो F-16 में जो मिसाइल यूज होती है एक स्पेशल किस्म की, वो मिसाइल दी F-16 के टुकड़े हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज की थी, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया, रशियन मीडिया ने, चेक मीडिया ने, जर्मन मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया, कोई भी बड़ा डिफेंस व्यू उठाइए, उन्होंने बोला भाई अगर 21 F-16 को गिरा सकता तो F-16 खरीदेगा कौन। जो आपके पाकिस्तान मीडिया में, जो आपके सारे पाकिस्तान मीडिया में दिखाया, देखिए मरने वाला जो आपके पायलट थे वो एक्स एयर मार्शल के बेटे थे, उनका जनाजा दिखाया, उनकी मैयत दिखाई, एयर मार्शल साहब सलाम ही दे रहे थे, चलिए उनका बेटा है, पाकिस्तान के लिए लड़ते लड़ते मरा, कोई बात नहीं, हर कोई सिपाही अपने देश के लिए लड़ता है। तो जी ये आप पाकिस्तान की जो आर्मी है मिलिट्री है चाइना के तरीके में जा रही है। आप तो वही वाले कह रहे हो गलवान में कोई मरा ही नहीं, कभी कहते थे वो दो मरे, कभी कहते 5 मरे, जबकि 7, जबकि दिन है पूरे दिन भर उनके हेलीकॉप्टर लाशें उठाते रहे। एक्स चाइनीज जनरल कहते हैं 135 लोग मरे। अगर आज अभिनंदन वर्धमान को अवार्ड मिलता है, कर्नल सतीश बाबू का अवार्ड मिलता है गर्व है भवन पे, और आप जो मरा पाकिस्तान के लिए उसके नाम ही गोल कर रही पाकिस्तान की मिलिट्री। और हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सुमित जी ने जब ये बताया कि पाकिस्तानी F-16 मार गया था अभिनंदन सर ने, उसके बाद तो पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए, वो चुपचाप सुनते रहे। जब सबूत दिखाने चालू किए सुमित जी ने, इससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान कितना प्रोपेगेंडा करता है अपनी आवाम को सुनाने के लिए। सुमित जी ने जो तथ्य रखे हैं उसे सुनने के बाद एक भी शब्द मुँह से नहीं निकला पाकिस्तानी मीडिया के, और वो चुपचाप इन्हें सुनते रहे। और निकलता भी कैसे जब उन्हें सच्चाई पता ही नहीं चलेगी। जैसे चाइना छुपाते अपने सैनिकों की मौतों को, ऐसे ही पाकिस्तान अपने सैनिकों की मौतों को छुपाता है, चाहे वो कारगिल हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे कोई भी वॉर हुई है, हमेशा पाकिस्तान और चाइना ने अपनी कैजुअल्टी छुपाई जिसकी वजह से उनकी फ़ौज पर बुरा असर ना पड़े। मगर ये सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाती है। पूरी दुनिया को पता था कि F-16 मार गिरा है अभिनंदन ने, इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और इन सबूतों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया के पास एक शब्द भी नहीं था। इसी चीज़ से पता चल जाता है भारत कितना शक्तिशाली देश है, और वो अपने बिल्कुल नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, चाहे हार या जीत हो, कुछ भी हो, वो दुनिया के सामने झूठ नहीं बोलता। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। और सर आज हम आपसे एक तो बात करना चाहेंगे कि जाहिर है आपके जो पायलट अभिनंदन यहाँ से गए थे, लेकिन आप लोगों ने उनको एक बड़ा आपका वीर चक्र शायद बोलते हैं उसको, वो अवार्ड आप लोगों ने दिया है, तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है आपके ख्याल से, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? देखिए आजू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए प्रोपेगेंडा का आंसर हमेशा फैक्ट से दिया जाता है, और इंटरनेशनल जो फैक्ट्स हमारे सामने वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात देखिए, अभिनंदन का प्लेन जो था वो था MiG-21 Bison। टुडे एक बहुत पुराना प्लेन है, उसको अपडेट करके बाइसन किया गया, राइट, 21 था, और जो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू F-16। पॉइंट नंबर वन, दुनिया में पहली बार हुआ 21 बाइसन या MiG-21 ने F-16 गिरावी, इसका इससे पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं। पॉइंट नंबर टू, जो आपके पाकिस्तान मीडिया में, जो आपके सारे पाकिस्तान मीडिया में दिखाया, देखिए मरने वाला जो आपके पायलट थे वो एक्स एयर मार्शल के बेटे थे, उनका जनाजा दिखाया, उनकी मैयत दिखाई, एयर मार्शल साहब सलाम ही दे रहे थे, चलिए उनका बेटा है, पाकिस्तान के लिए लड़ते लड़ते मरा, कोई बात नहीं, हर कोई सिपाही अपने देश के लिए लड़ता है, तो अगर वो F-16 गिरा नहीं तो वो बेटा कैसे हुआ? आपकी वो जो हमने वो जो F-16 में जो मिसाइल यूज होती है एक स्पेशल किस्म की, वो मिसाइल दी F-16 के टुकड़े हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज की थी, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया। हालत ये है आरजू जी की, हालत ये हो गई कि लॉकहीड मार्टिन ने उसके बाद जो कंपनी जो बनाती है F-16, उन्होंने F-16 बनाने बंद कर दिए। रशियन मीडिया ने, चेक मीडिया ने, जर्मन मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया, कोई भी बड़ा डिफेंस व्यू उठाइए, उन्होंने बोला भाई अगर 21 F-16 को गिरा सकता तो F-16 खरीदेगा कौन? आपको याद होगा उसके आसपास कुछ F-16 के यहाँ इंडिया में बनने की बात हो रही थी, वो कह रहे थे पूरी लाइन टेक्सस से उठा के यहाँ लाएंगे, F-16 यहाँ बनेगा। फिर जब ये बात हुई वाला भैया F-16 की जरूरत क्या है, इट्स नॉट अ पोटेंट मशीन इन टुडेज टाइम, इसीलिए वो प्रोडक्शन बंद हो गई। पिक्चर्स आपके मीडिया में है, सारे इंटरनेशनल डिफेंस रिव्यू डिफेंस कमिटीज ने किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो अब मिसाइल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा जो F-16 में लगता है, जो केवल F-16 में लगता है, AMM कुछ करके, AMM-80, I don't remember the name, so I'm not watching for it, और उसके टुकड़े तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने दिखाए थे। अगर फिर वो क्या थे, पायलट कौन मारा, डिफेंस जो ये जो एयर चीफ मार्शल थे, साहब थे आपके, उनका बेटा था, मुझे ये लगता है देखिए अगर कोई भी देश की राह में शहीद हुआ वो अपना काम कर रहा था, आपका पायलट अपना काम कर रहा था, अब भगवान मालिक है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बट अब आप उस पायलट की, अब ये जो पाकिस्तानी मिलिट्री है ये उस पायलट की जो शहादत है
जो कुर्बानी उसने पाकिस्तान के लिए दी, आप उसको भी निगेट करें, पूरे इंटरनेशनल मीडिया बीबीसी ले, सीएनएन ले, यूरोपियन ले, ब्रास 24 ले, डीडब्ल्यू ले, सबने ये कवर किया, सब में ये खबर है कि F-16 आया, F-16 के वो टुकड़े, वो मिसाइल, वो सब कुछ दिया। अब आपका दूसरा पार्ट आता है, भाई अगर इंडिया झूठ बोल रहा है तो जितने सारे इंटरनेशनल मीडिया वो पिक्चर है, हर कुछ झूठ है। मतलब अगर आप 1000 मीडिया आउटलेट्स को कंट्रोल कर लो, नकली पिक्चरें डलवा दो, F-16 की प्रोडक्शन बंद करवा लो, फिर तो इंडिया की प्रोपोगंडा बहुत बड़ी है, फिर तो कल को पाकिस्तान में कुछ भी बंद करा सकते हैं। मतलब इतना इतना वीक है क्या पाकिस्तान? ये तो मुझे मतलब हंसी आ रही है। और जिस आदमी ने आपके देश के लिए जान दी है भाई, वो सिपाही था ना आपका, पाकिस्तान फ्लैग लगा था ना उसके यूनिफॉर्म पे, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में, तो आप उसको करे बिल्कुल बुरा ही नहीं। और ये कौन है? ये आपके एक्स एयर मार्शल साहब का बेटा है, ये देखिए आप। अब आते हैं आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल पे, आदर जी बहुत अच्छा सवाल था। अब आपको ये जो F-16 मिले थे पाकिस्तान को, यूएस से मिले थे एंटी टेररिज्म के लिए, उनका यूज तो खैर एंटी टेररिज्म में कभी हुआ नहीं। फिर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जिसने ये डोनेशन दिया था यूएस को, भाई गिल्लो F-16 पूरे हैं, उनका रिपोर्ट आया था, हाँ हमने जो इन्वेस्टिगेशन की F-16 पूरे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ऐसी डिफेंस डील्स होती, दिए जाते 25 बोले जाते 15, और कई बार स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए काफी ये कोशिश की गई थी पहले प्रोडक्शन रोकने से पहले कि ये बोल दे कि F-16 पूरे हैं। तो जब फिर प्रोडक्शन रुक गई, दुनिया में F-16 खरीद नहीं रहा, इस इंसिडेंट हर डिफेंस जर्नल में जा चुका है, ये पिक्चरें जा चुकी है, तो अब ये प्रोपोगंडा का क्या मतलब है? ये आप देखिए अर्जुन जी, ये आप पाकिस्तान की जो आर्मी है, मिलिट्री है, चाइना के तरीके में जा रही है। आप तो वही वाले कह रहे हो, गलवान में कोई मरा ही नहीं, कभी कहते थे वो 2 मरे, कभी कहते 5 मरे, जबकि दिन है पूरे दिन भर उनके हेलीकॉप्टर लाशें उठाते रहे। एक्स चाइनीज जनरल कहते हैं 135 लोग मरे। और गलत क्या है, गलत इसमें क्या है? देखिए हमारे ये जो है थे कर्नल सतीश बाबू वीरगति को प्राप्त हो गए, उन्होंने शहादत दे दिया, ठीक है जी। आज उनको महावीर चक्र मिला, जो नंबर 2 हाईएस्ट अवार्ड है। परमवीर चक्र मिलता ओनली इन द टाइम ऑफ वॉर, उसके बाद जो हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड है वो महावीर चक्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया, सबके सामने दिया। आज ही 3:30 बजे करीब ये लाइव समारोह हुआ। ये है हमारे शहीद, हमने नाम बताया बताया उनको सम्मान दिया, सल्यूट किया, और उनके घर वालों को हमने इनाम दिया क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते मरे। और यहाँ क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, पाकिस्तान में F-16 गिरा ही नहीं, कोई मरा ही नहीं, एयर मार्शल साहब किसको सलामी दे रहे थे, किसकी बेटे की मैयत की पता नहीं, वहां गलवान में वो जी जिंग पे कह रहा है मेरे तो कोई मरे नहीं, पर वो इंटरनेशनल मीडिया में वो येलो बॉक्सेस में उनके एड्रेस भेज रहे थे। अरे भाई कम से कम जो देश के लिए मरा उसको इज्जत तो दो, वो मरा और लड़ा तो आपके लिए और मेरे लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा, अपने फ्लैग के लिए लड़ा, मरने के बाद शहीदों के साथ आप ऐसा करो, ये कोई राजनीति नहीं है। आपको जीतना है, आपको भारत के साथ जंग लड़नी है, जो भी करना 50 तरीके, पर जो बेचारा अपनी जान दे के अपनी आपने आपके फ्लैग अपनी कंट्री के लिए लड़ा, आप आज उसको भी भूल गए, उसको भी भुला रहे, ये क्या तरीका है? हमने कहा गलवान में हमारे 20 लोग मरे, बिल्कुल हमारे 20 भाई मरे, शहादत दी, पर ये जी जिनपिंग आज तक क्यों नहीं बता रहा कितने चीनी मरे? ये कौन सी राजनीति है? चीनी तो मरे एक दिन तक, 2 दिन तक अगर आप रोज सॉर्टिया कर करके लाशें उठा रहे थे, वहां के कंकड़ पत्थर उठा रहे थे गलवान से, या गलवान की मिट्टी उठा रहे थे, कौन थे वो लोग? वो बेनाम मौत क्यों मरे? अगर आज अभिनंदन वर्धमान को अवार्ड मिलता है, कर्नल सतीश बाबू को अवार्ड मिलता है, गर्व है मोहन पे, और आप जो मरा पाकिस्तान के लिए उसके नाम ही गोल कर रही पाकिस्तान की मिलिट्री, और ये चीनियों की तरह कह रही वो तो कोई थे ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कितने मरे, कभी 2, कभी 5, कभी 7, कभी 10, मतलब ये क्या है? अगर लाशों और शहीदों के साथ भी ये किया जाएगा, ये बहुत बुरी बात है। इंडिया पाकिस्तान चाइना की बात नहीं है, जो लड़ता जो मरता देश के लिए मरता, उससे इज्जत सम्मान मिलना चाहिए। ये हरकत और हमाकत बुजदिली को छिपाती। और आरजू जी लास्ट पॉइंट बोलूंगा, 4 लड़ाइयां लड़ी, 4 हार गए, अब यहां आ गए, और मतलब ये आप कर रहे हो, बहुत शर्मनाक है।